करनाल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए स्वीप के तहत गांव-गांव प्रचार किया जा रहा है। संवेदनशील बूथों पर अधिक से अधिक चौकसी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान मॉडल पोलिंग बूथ, महिला व दिव्यांग पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक लघु सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से व राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करें। जो भी प्रचार प्रसार करना है वह अनुमति के अनुसार व चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि छुट्टी को छोड़कर 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाएंगे। नामांकन लेने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत एक विशेष वैन हर बूथ पर जाकर जागरूक करेगी। जिस भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि व नेता को ईवीएम वीवीपैट पर कोई संदेह है वह 27 सितंबर को 3 बजे प्रथम रेंडमाइजेशन के समय उपस्थित हो सकता है, मशीन से पोल करके देख सकता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह पेड न्यूज छापने के लिए एमसीएमसी कमेटी से अनुमति ले ताकि खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जा सके। उन्होंने अपील की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें, वोट संबंधी किसी भी समस्या के निकालन के लिए टोल फ्री नंबर 1950 डायल करें। क्या निर्देश दिए अब क्या इसमें रहेगा चुनाव को लेकर? देखिए, आज जो मीटिंग थी वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ तथा हमारे मीडिया के सहकर्मियों के साथ थी। इस जो मीटिंग का उद्देश्य था वो था ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जो है शेयर करना सभी के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आम पब्लिक है या मीडिया है। इस मीटिंग के दौरान हमने हमारे द्वारा एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो चुनाव करवाया जाना है उसके संबंध में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं उन सब की जानकारी दी गई है। कितने वोटर्स हैं, कितने बूथ्स हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा ताकि कोई भी जो मतदाता है वो पीछे ना छूटे, वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसलिए ये आज की मीटिंग बुलाई गई। सर, इसमें क्या पॉलिटिकल पार्टियों से भी कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को पता है आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, तो उनसे भी ये आग्रह किया गया है कि वो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना हो, तथा यदि कोई भी कार्य उन्होंने करना है तो अनुमति लेने के उपरांत, जो नियमानुसार अनुमति है वो लेने के उपरांत करें। समाचार पत्रों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए कोई नहीं? देखिए, पेड न्यूज़ के लिए मैंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि इस तरह के पेड न्यूज़ को ना छापे, और यदि कोई पेड न्यूज़ का मटेरियल विज्ञापन के तौर पर आपका आता है तो उसको DPRO के माध्यम से कंसर्न्ड RO को जरूर उसकी जानकारी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।